आज मैं सुंदर नर्सरी आया हुआ हूँ। यह एंट्री पॉइंट है इसका। अंदर आकर 50 रुपये का टिकट मिलता है, मैंने इसको ले लिया है और अब अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही आप थोड़ी दूर और आगे आएंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ढेर सारे पेड़ लगे हैं, बहुत ही शांति का माहौल है। यहाँ कोई अपनी फैमिली सहित आ सकता है, बच्चों को लेके यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है इस पार्क में। इस समय एक छोटा सा पीछे तालाब बना हुआ है और मैं उसी के बगल में बैठा हूँ और कुछ लोग इधर आए हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद एक ऐसे सीधा रास्ता मिलता है और वो वहाँ पे एक टॉम्ब दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत अच्छी अच्छी हवा चलती हुई। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रा फील करना कि यहाँ का मौसम इस समय कैसा होगा, कमेंट करके बताना। सामने से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका नाम है सुंदर दुर्ग, जिससे में दोनों तरफ से दरवाजे हैं। आइए ज़रा मैं इसको घूम के आपको दिखाता हूँ। इसमें चारों तरफ से दरवाजे हैं। इस पत्थर में सुंदर नर्सरी के बारे में बताया गया है। आओ चलते हैं आगे। आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से पानी निकल रहा है और वहाँ सामने तक जा रहा है। और इसके जस्ट बगल में पूरी एक हरियाली फैली हुई है। जैसे इसका नाम है सुंदर नर्सरी, ये वास्तव में सुंदर दिखती भी है। सुंदर नर्सरी में फैले हुए सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल आपको दूर तक ऐसे मिल जाएंगे यहाँ देखने के लिए। चलते चलते अब हम आ गए हैं इधर फाउंटेन की तरफ। सामने वो वहाँ पे फाउंटेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पास से चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसी घास के मैदान में इधर छांव है, अब इधर ही मैं कुछ देर आराम यहाँ पे अब लेट जाऊँगा 10-20 मिनट, उसके बाद फिर से देखेंगे। और थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें लक्कड़ वाला भुज देखने को मिला है, वो सामने बना है। और इसके राइट हैंड पे इधर से जाना है, कुछ लोग आगे फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और ये बड़ा सा तालाब, और ये रहे छोटे छोटे फाउंटेन। इस समय मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ उसका नाम है अजीम बाग। अब आगे देखते हैं अजीम बाग कैसा है। इधर का कुछ ऐसा है, वहाँ पे बैठने के लिए बना है। मेरे एक साइड पे इधर गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और राइट हैंड पे देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। थोड़ा सा आगे चलने पे एक कैफे नज़र आया है, फैब कैफे है, इसमें खाने पीने की व्यवस्था है। ये शायद चमेली का पेड़ है, इसकी काफ़ी अच्छी सुगंध होती है। इस जाली के अंदर भी कुछ छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इनको बोलते हैं बौने पेड़, बस ये इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे।
आगे चलने पर इधर पूरा जंगल ही जंगल, और इसी जंगल में मैं घूमते हुए इधर भी पूरी फूलों की फुलवारी लगी हुई है। जहाँ तक नज़र जाएगी उधर बस फूल ही फूल है। उधर फूल लगे हैं और मेरे लेफ्ट हैंड पे छोटे छोटे पेड़। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ी नर्सरी है। मुझे तो इस समय यही नहीं पता चल रहा है कि मैं नर्सरी के अंदर घूम रहा हूँ कहीं बाहर घूम रहा हूँ। इस समय है फूलों से लदा हुआ एक पेड़। आप लोग देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। पूरा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। कहाँ तक जंगल देखते रहिए आप लोग। दोनों साइडों में पेड़ ही पेड़ हैं, पूरे जंगल ही जंगल है। और इस साइड पे भी पूरा जंगल ही जंगल है। अब मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। इधर इधर खाने की व्यवस्था भी है और ये छांव में बैठने और एंजॉय करना। और इधर ये काट लगा हुआ है। अब चलते हैं इधर, आगे कोई किला वगैरह दिख रहा है हेरिटेज साइड, चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर निकलता हूँ। इधर पानी की भी व्यवस्था है। मेरे सामने एक लोहे का गेट लगा है जो फिलहाल अभी खुला है। ओह, इसको देख लिया हूँ। अब यहाँ से वापस चलते हैं सामने की ओर। तो अब चलते हैं बाहर। वो सामने एग्जिट गेट दिख रहा है। और आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा रहा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरर व्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू।